सैंडविच हो या बर्गर, या फिर आप बाहर मोमोज ही क्यों ना खा रहे हो, अब मेयोनीज के बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है। बीते कुछ सालों में भारत में इसके चाहने वाले तेजी से बढ़ रहे हैं, और ऐसा हो भी क्यों ना, ये चीज है ही कमाल की। यूं तो इस सॉस को सबसे पहले स्पेन में बनाया गया था, लेकिन आज हम में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो घर पर ही इसे बना लेते हैं। लेकिन अगर आप बाकी लोगों की तरह ही आलसी हैं, या फिर इसे बनाने की रेसिपी अभी तक नहीं जानते, तो आपके लिए मार्केट में भी उपलब्ध है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फैक्ट्री में मेयोनीज को कैसे बनाया जाता होगा? अगर नहीं तो घबराइए मत, क्योंकि आज हम मेयोनीज की पूरी फैक्ट्री प्रोडक्शन आपके लिए लेकर आए हैं। आप बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यूं तो आमतौर पर मेयोनीज बनाने के कई तरीके हैं, पर इसमें मुख्य तौर से अंडे और तेल का ही इस्तेमाल किया जाता है। कच्चे अंडे को सबसे पहले लिक्विड फॉर्म में बदल कर फैक्ट्री में टैंकर ट्रक्स में भरकर लाया जाता है। इन टैंकर ट्रक्स में आने वाले सभी अंडे को पहले से ही पैश्चराइज कर लिया जाता है, ताकि इसमें मौजूद बैक्टीरिया को मारा जा सके और ये खाने के लिए पूरी तरह सेफ हो। इन टैंकर ट्रक्स में एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए टैंक वॉल्व को भी सील किया गया होता है, जिसे पहले से ही साफ कर दिया गया था। अब एक वर्कर आकर इस टैंक वॉल्व को खोलता है और इसमें एक बड़ा सा सैनिटरी इवैक्यूएशन पाइप डाल देता है, ताकि अंडों को टैंक से बाहर पंप किया जा सके। इस पाइप से होते हुए ये सभी अंडे जाकर एक रेफ्रिजरेटेड रिसीविंग टैंक में जाकर इकट्ठा होते हैं। इसके बाद मेयोनीज बनाने के लिए दूसरी जरूरी चीज है सोयाबीन ऑयल, जो कि फैक्ट्री में एक रेलवे टैंकर कार की मदद से लाया जाता है, और फूड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस टैंकर को भी पूरी तरह से सील्ड ही रखा जाता है। एक पंपिंग सिस्टम की मदद से इस ऑयल को निकाल कर यहाँ से एक बड़े होल्डिंग टैंक में इकट्ठा करके रख दिया जाता है। यहाँ से थोड़ी ही दूर फैक्ट्री की दूसरी तरफ कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज दूसरी तैयारियां करने में लगे हैं। वो अच्छी तरह से उन मसालों का वजन ले रहे हैं जो कंपनी की सीक्रेट स्पाइस रेसिपी को बनाने में इस्तेमाल किए जाने हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स से स्पाइस ब्लेंड बनाने के बाद इसमें व्हाइट विनेगर, साइडर विनेगर और नमक के साथ साथ कुछ लिक्विड नेचुरल फ्लेवर्स को भी स्वाद बढ़ाने के लिए डाल दिया जाता है, और फिर ये सारा मिक्स एक बड़े टैंक में डाल दिया जाता है जिसमें पहले से ही पानी मौजूद है। हमारे पास अभी जो मिक्स बनकर तैयार हुआ है उसे स्लरी भी कहते हैं। अब हमारे अंडों पर वापस लौटे तो उन्हें रेफ्रिजरेटेड टैंक में हम पहले से ही छोड़ आए थे। अब हमारे पास यहाँ तीन तरह के टैंक मौजूद हैं। एक में अंडे हैं, एक में सोयाबीन ऑयल और तीसरे में है हमारा स्लरी मिक्स। अब एक कंप्यूटराइज्ड प्रोपोर्शनिंग सिस्टम पर्याप्त मात्रा में इन तीनों टैंक में से इन इंग्रेडिएंट्स को निकालता है और एक बड़े से मिक्सिंग वेसल में भेज देता है। कुछ मिनट्स तक तेजी से मिक्स करने पर अंडे, ऑयल और स्लरी आपस में मिक्स होकर एक टैंगी और क्रीमी पेस्ट बना लेते हैं, जिसे हम मेयोनीज भी कह सकते हैं। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है, और अगर आपको मेयोनीज का प्रोसेस अच्छा लग रहा है तो आप कुकू एफएम पर जाकर और भी कई मजेदार किस्से जो लर्निंग से भरपूर होते हैं ऑडियो वर्जन में सुन सकते हैं। यहाँ आपको थ्रिलर, सेल्फ हेल्प और मोटिवेशन जैसे और भी कई विषयों पर 1000 से भी ज्यादा घंटों की कंटेंट लाइब्रेरी मिलेगी, जिन्हें आप हिंदी, इंग्लिश और बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस में सुनकर आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ अपनी बोरियत को भी मिटा सकते हैं। कुकू एफएम की ऑडियो बुक हाउ आई क्विट गूगल टू सेल समोसास एक ऐसी महिला की सक्सेस स्टोरी है, जिन्होंने अपने सक्सेस से लाखों लोगों को इंस्पायर किया है। अगर आप हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करके कुकू एफएम का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करने वाले 250 यूजर्स को 50% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि है 399 का साल भर का सब्सक्रिप्शन बस 199 पर। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर, क्लिक कीजिए एंड कुकू एफएम पर अपनी मनपसंद ऑडियो बुक सुनिए। चलिए अब मेयोनीज के सफर पर वापस आते हैं। यहाँ से अब मेयोनीज के सैंपल लिए जाते हैं और इन्हें क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास इनकी क्वालिटी की जाँच के लिए भेज दिया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के लैब टेक्नीशियंस इस सैंपल को इसके कलर, कंसिस्टेंसी और फ्लेवर जैसे मापदंडों पर परखते हैं, और इसके बाद इस मेयोनीज को फिनेलोपैथिलीन के साथ मिक्स किया जाता है। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आप जानते होंगे कि फिनेलोपैथिलीन का इस्तेमाल हम किसी भी मिक्स का एसिडिक और एल्कलाइन नेचर चेक करने के लिए करते हैं। फिनेलोपैथिलीन के साथ मिक्स होने पर अगर ये अपना कलर पिंक कर ले, तो यानी ये एक एल्कलाइन सॉल्यूशन है,
लेकिन मेयोनीज का पीएच लेवल 3.8 से 4 के बीच होना चाहिए, जो उसे एसिडिक बनाता है। इसलिए यहाँ पर पीएच की जांच करके ये परखा जाता है कि सॉल्यूशन कितना एसिडिक है। फिनाइलोमेथिलीन के अलावा डीआयोनाइज्ड वाटर का इस्तेमाल भी इस टेस्ट में होता है। एक बार ये मेयोनीज इस टेस्ट में पास हो जाए और क्वालिटी कंट्रोल टीम इसे हरी झंडी दिखा दे, तो इस मेयोनीज को पैकेजिंग सेक्शन की तरफ रवाना कर दिया जाता है। यहाँ पर एक रोटरी फिलर मशीन इस मेयोनीज को एक जार में भरने का काम करती है, और ये काम इतना तेजी से होता है कि हर नोजल से एक सेकंड में 4 जार भरे जा सकते हैं। इसके बाद अगली मशीन इन जार्स के ऊपर एक प्लास्टिक कैप को भी इंस्टॉल कर देती है। ये कैप खासतौर पर इसी तरह की पैकिंग के लिए बनाई जाती है, क्योंकि इन कैप्स के अंदर एक फॉइल सील भी मौजूद है। जैसे ही कैप जार पर लगती है, टारगेटेड इंडक्शन सिस्टम से इस पर हीट अप्लाई की जाती है और ये फॉइल कैप से निकलकर जार्स पर चिपक जाती हैं और जार पूरी तरह से सील हो जाता है। ये सील मेयोनीज की फ्रेशनेस को भी बरकरार रखती है, साथ ही कस्टमर को ये जानने में भी आसानी रहती है कि फैक्ट्री से निकलने के बाद इन जार्स के साथ कोई और छेड़खानी नहीं की गई है। अब आगे एक लेबलिंग मशीन इन जार्स के एक एंड पर ग्लू अप्लाई कर देती है और फिर लेबल के एक एंड को इस पर लगा देती है। फिर जार्स को रोटेट किया जाता है और मशीन दूसरे एंड पर भी ऑटोमेटिकली ग्लू अप्लाई कर देती है और लेबल बिल्कुल अपनी सही जगह पर लग जाता है। इसके बाद भी मेयोनीज जार्स को अभी फैक्ट्री से निकलने की आजादी नहीं मिली है, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल टीम कुछ पोस्ट प्रोडक्शन टेस्ट भी अपने प्रोडक्ट्स पर करती है, जिसमें टेस्ट टेक्नीशियन एक विस्कोमीटर नाम की मशीन से मेयोनीज की विस्कोसिटी या उसका गाढ़ापन नापते हैं। वैसे आप जानते ही हैं कि मेयोनीज सिर्फ जार्स में ही नहीं मार्केट में मिलती है। मेयोनीज आपको छोटे छोटे शैशे और बड़े 1 या 2 किलो के सीड प्लास्टिक बैग्स में भी मिलती है। इन पैकेजेस को पॉलिथीन फिल्म से बनाया जाता है। एक तरफ से ऑयल पर प्रोडक्ट का लेबल और बाकी सब इन्फॉर्मेशन छपी आपको दिख जाएगी। एक मल्टीटास्किंग फिलिंग मशीन में ऐसे बड़े और छोटे पाउचेस को पहले रोज में इकट्ठा किया जाता है और इसके बाद इसमें जरूरत के हिसाब से मेयोनीज को इंसर्ट कर दिया जाता है, और नीचे आते आते ये पाउचेस सील भी हो जाते हैं और फिर इन्हें मशीन से अलग अलग करके सिंगल आउट कर लिया जाता है। अब ये मेयोनीज आपके किचन की शान बनने और आपके बोरिंग नाश्ते को टेस्टी बनाने के लिए यहाँ से दुनिया भर के अलग अलग स्टोर्स में रवाना कर दी जाएगी। क्या आपने कभी सोचा था कि आखिर मेयोनीज बनाने में भी इतनी मेहनत लगती होगी? उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपका फेवरेट मेयोनीज ब्रांड कौन सा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।